नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल MK की पावर में। तो दोस्तों यार मैं पहुंच चुका हूं रात के 2 बजे उसी लोकेशन पे जहां पे अपने भाई दानिश जैन का कार एक्सीडेंट हुआ था। गाइज पिछली बार अघोरी को लेकर आया था गाइज, लेकिन अघोरी बाबा भी साथ में रहते हुए भी मतलब आत्मा के ऊपर फायरिंग करने के बाद भी गाइज आत्मा ने इतना भयानक हमला किया था, उसके बाद में कोई वीडियो नहीं आई थी। गाइज आज वापस आए, फौजी भाई को साथ में लेकर आया हूँ। गाइज जो अघोरी की वीडियो में जो फौजी आए थे गाइज, उन पर काफ़ी बुरा अटैक हुआ था, वो भी कंटिन्यू चल रहा है गाइज, वहाँ का भी क्लियर करना है मैटर। तो ये जो फौजी भाई है ये अलग वाले फौजी है गाइज, बंदूक वगैरह तो वही है लेकिन मतलब अलग फौजी है गाइज। तो चलते हैं फौजी भाई सीधा लोकेशन पे। देखो फौजी भाई लोकेशन ऐसी है कि बहुत खतरनाक है, ठीक है ना। आपको यहाँ की कहानी के बारे में पता नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि अभी का जो टाइम हो रहा है गाइज, ये देख सकते हो रात के 2 बज रहे हैं यार गाइज कसम से। और फौजी भाई साथ में, इसलिए थोड़ा दिल में मतलब कि डर कम है। बाकी गाइज लोकेशन आगे की तरफ है, चल रहे रोड के ऊपर दोनों भाई। फौजी भाई मतलब आपको ऑन द स्पॉट फायरिंग करनी है। अरे सब संभाल लूंगा, आपके पास गन बड़ी है इसलिए हम आपको लेकर आए। अरे ये से बहुत आते हैं मेरे पास बॉर्डर पे, बहुत। अरे आते बहुत है लेकिन यार फौजी भाई संभल के रहना यहाँ पे, ठीक है ना। मतलब था कुछ बड़ा मैटर नहीं है, दो आत्माओं का कुछ है यहाँ पे बस। आत्माओं का क्या, आत्माओं का गुरु भी आ जाएगा तो भी कोई टेंशन नहीं है मेरे को। आपको महसूस हुआ भाई? देख सकते हो यार आगे की तरफ ही है। अरे यार वो मूर्ति हटा दी क्या यहाँ से यार? मूर्ति हटा दी क्या यहाँ? मुंशी भाई को क्या मालूम? हाँ भैया अपन तो आते रहते यार, मूर्ति हटा दी यहाँ से यार। हाँ यार लगता है लगता है इस रोड से मतलब कि जो दानिश भाई का वो छोटा सा स्थान बनाया था कुछ दोस्तों ने, मेरे को लगता है उसको हटा दिया यार। फौजी भाई आप थोड़ा संभल के रहना इस जगह पे, ठीक है ना। मैं आप लोगों को लोकेशन एग्जैक्ट बता देता हूँ। आपका काम है बस जैसे आत्मा दिखे पहले मतलब अपन प्यार से बातचीत कर लेंगे, अगर नहीं माने। अरे आत्मा को आने दो, एक बार मैं सब संभाल लूंगा। नहीं मतलब वो होता है ना कई बार कि यार जैसे आत्मा वगैरह पूरा अटैक कर देती हमारे ऊपर। पिछली बार छोटी गन थी लेकिन यार हम खुद ही कर देते, अघोरी लेकर आए थे हम हरिद्वार से, उससे काम हुआ नहीं। वो तो ठीक है लेकिन आज की ओए कब आ जाएगी कौन है? हां फौजी भाई बंदूक को लोड कर, लोड कर लो फौजी भाई, बंदूक को लोड कर लो यार। लोड ये है तो पहले लोड कर ली मैंने वहीं पे। कोई है यहाँ पे यार? हां देखो ना जैसे यहाँ पे पैर रखा अपने, पत्थर स्टार्ट हो गया ना। हां यार क्या हो, संभल के रहना फौजी भाई। ये देखो गाइस पिछली बार हमने यहीं पे बैठ के हवन किया था उस अघोरी के साथ में, और जो वो आत्मा आई थी वो गाइस दानिश जैन की आत्मा नहीं है, है किसी और की, लेकिन साथ में दानिश जैन की आत्मा भी आती है उसके साथ में। फौजी भाई पीछे रहो, फौजी भाई वहाँ पे एक बार उस बोर्ड के पास में चलकर देख लेते। गाइस वो जो बोर्ड दानिश भाई की कार से एक्सीडेंट होकर गिरा था उसी बोर्ड के पास में पत्थर जैसी आवाज आ रही है। आओ कुछ भाई चलकर देख लेते क्या चीज है वहाँ पे। हाँ यार भाई का एक्सीडेंट जैसे होता है, गाड़ी उधर से आ रही थी, ठीक है ना, और यहाँ के डिवाइडर के अंदर घुस गई थी गाड़ी। गाड़ी क्या फास्ट में थी? गाड़ी फास्ट में थी, किसी की यादों में था मतलब भैया तभी इतना बड़ा ही है। आप नहीं जानते क्या दानिश जैन है उसका नाम? तो आपने सुना होगा ना कहीं ना, नाम तो सुना हुआ है लेकिन मैंने कभी। मुंबई का फेमस इलाका है ना कसाईवाड़ा, वो तो है लेकिन क्या मेरे को बॉर्डर पे टाइम ही का मिलता है ये बॉर्डर। गाइस फौजी भाई का टाइम मतलब कि यार सभी लोग समझते हो गया फौजी की लाइफ कैसी होती है, बॉर्डर का काम होता है, लेकिन इतनी रात को ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के प्यार की वजह से यहाँ पे हमारे साथ में खड़े गाइस। तो प्लीज दानिश जैन से आप लोग प्यार करते हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। फौजी भाई यही वो बोर्ड है जो दानिश भाई की कार से नीचे गिरा था एक्सीडेंट होकर, और अभी के लिए मतलब कि जस्ट हम वहाँ से आ रहे थे तो यही बोर्ड बोल रहा था ना पत्थरों से। हाँ यही था, यही आ रही। आओ एक बार ऊपर आओ ना आप, रोने की आवाज आ रही है। हाँ यार रोने की आवाज आ रही है यार। यही तो था यार इसी जगह पे हुआ था एक्सीडेंट। हाँ ये देखो ना ये ओए पत्थर कैसा है यार ओए रोने
भाई दिख रहा है यार, दिख रहा है यार भाई। पत्थर दो, पत्थर दो, पत्थर नहीं है यहाँ पे यार। यार अभी दिक्कत है यार। hey! चलो इधर अंडा भैया। अरे वो दो दो है, उधर को यार। और हाँ यार दो दो वो जी भाई, तो इतने यार वो तो यही था आज तो ये लगे गाइस फ्रेम में दिख रहे भैया। हाँ यार भाई उधर को लेडीज आज इनके साथ में। हाँ उस दिन लेडीज नहीं थी गाइस। हाँ यार उस दिन लेडीज नहीं थी। हो जी भाई रुको अभी फायरिंग बंद करना। इनसे पूछ लेते ये क्या चाहते हैं फन से। पहले इसके पास चलना पड़ेगा ये रियल में है या नहीं है, वरना कोई नहीं भोजी भाई यार ये आत्मा है। अरे नहीं कोई किसी की जान ले जाएगी। लुटेरे लुटेरे हो सकते हैं। लुटेरे नहीं है भोजी भाई, ऐसा केस कोई भी नहीं है यहाँ पे, ये आत्मा है। हाँ यार भाई भाई यार भाई 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 फायरिंग कर देते हैं भाई यार। फायरिंग नहीं यार देखा जाएगा जो भी होगा। पूछ लेते नीचे कौन है, कौन है जो भी हमारे सामने हो। अरे कौन हो तुम? हाँ यार वो खड़ी है जो भी हमारे सामने हो। अरे भाई 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 पूरी शक्ति वाले आत्मा भाई। फौजी भाई फाइनिंग करो, फाइनिंग करो भाई, फाइनिंग करो फौजी भाई, फाइनिंग करो फाइनिंग करो। अरे यार वो एक तो मर गई लेकिन एक नहीं मरी। हां हां कहीं हो रे, रोड में पड़ी है दोनों दोनों भाई। हां दोनों वही है। चल का चल पास निकल कर देखते हैं यार। हां यार कौन है वो? हां भाई भैया 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 फौजी भाई ये देखो कौन है यार। ओए कौन है यार? हां आत्मा है वो, आपने फायरिंग करी थी उसको लगी क्यों नहीं उसकी गोली? लग गई पता नहीं दूसरे वाले क्यों नहीं लगी। आपने जो लास्ट की गोली चलाई थी वो हवा में निकल गई। हवा में अरे यार अरे वापस हमारी तरफ आई थी वो गोली। क्या करें यार, क्या करना चाहिए पूछिए भाई आप बताओ ना यार। उनको कोई अगोरी को लेकर आओ यहां। अरे फौजी भाई काफी टाइम से आ रहे हैं, अगोरी को सबको साथ में लेकर आके देख लिया, कोई कुछ नहीं कर पा रहे यार। इन आत्माओं का पता नहीं क्या चीज है ये। अगर मतलब कि उस जो पिलर के आगे पांव रखते हैं ऐसे जी चिल्लाने जैसी आवाज आ रही है गाइस, कसम से झूठ नहीं बोलूंगा। आप लोगों ने कैमरे के अंदर देखा होगा फौजी भाई ने बहुत मकसद करी थी गोली लगाने की, लेकिन उनकी गोली की कोई नहीं लगी थी। सेकंड बार जब फौजी भाई ने गोली चलाई थी दोनों रोड के अंदर लेट गई थी और पता नहीं क्या चीज थी गाइस। हम जैसे उसके पास में गए थे सफेद वाली आत्मा उठकर हमारे ऊपर बहुत भयानक हमला किया था। फौजी भाई की बंदूक हाथ से गिरने वाली थी लेकिन फौजी भाई ने जैसे तैसे करके जान बचाकर भाग के आ गए हमारे साथ को साथ। निकलना पड़ेगा मेरे को लगता है। खुलासा हो सकता है कि या एक काम कर सकते क्या फौजी भाई, बॉर्डर से और लेकर आने पड़ेंगे। बॉर्डर से आप ले आओगे क्या? पांच सात फौजियों को हमारे मेरे दोस्तों को लेकर जाऊंगा मेरे साथ। तो यार आप ही करना है फौजी भाई, जैसे भी करना चाहते हो ठीक है ना। और मेट्रो सोल अभी तो चलो, अभी यहां रुक गए ना तुम। हां तुम्हारी मौत फिक्स है यहां पे, चले यहां से अभी। हां अभी तो निकलो गाइस, अभी के लिए हमको यहां से निकलना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इस वीडियो को लाइक करके जाना यार गाइस प्लीज, तभी नेक्स्ट पार्ट बनाने की हिम्मत होगी हमारी। चलो भाई फौजी भाई चलो। चलो यार भाई।